वेलकम दोस्तों, इस वीडियो में हम सीखेंगे कि पैरामीटर लिस्ट का फ़ायदा क्या है और उसको हम यूज़ किस तरह कर सकते हैं अपनी डे टू डे प्रोग्रामिंग के अंदर। तो आइए हम आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, हमें आइडिया है कि मेथड हम क्यों यूज़ करते हैं, इसलिए क्योंकि उसके अंदर एक ब्लॉक ऑफ कोड होता है जिसको हम एग्जीक्यूट करते हैं, जिसको हम बार बार कॉल कर सकते हैं। ओके, आप यही सेम कोड देखें कि ये माई मेथड है जिसमें 5 दफ़ा हेलो अली लिखा हुआ है। अब मेरी रिक्वायरमेंट चेंज होती है इस तरह से, मैं कहता हूँ कि मैंने जो माई मेथड बनाया है वो मैं इस तरह यूज़ करूँ कि मैं उसको खुद बताऊँ कि 10 दफ़ा हेलो अली लिखा है या 15 दफ़ा हेलो अली लिखा है या 20 दफ़ा लिखा है या 100 दफ़ा लिखा है। तो आपको क्या करना पड़ता है कि उसके अंदर पैरामीटर में वो इन्फॉर्मेशन बतानी पड़ती है। सेम एग्जाम्पल ऐसे है कि जैसे आपने कंसोल डॉट राइट लाइन आपने यूज़ किया, ठीक है, मैं इधर कंसोल डॉट राइट लाइन ज़रा यूज़ करता हूँ, इसको कमेंट कर दूँ कंट्रोल के सी, आपको एग्जाम्पल मैं समझा देता हूँ। सी डब्ल्यू टैप टैप, ये एक फंक्शन है, ये इसका पैरामीटर है। मैं कहता हूँ कि आप स्क्रीन के अंदर वो डिस्प्ले करो जो मैं लिखता हूँ। तो स्क्रीन में लिखा आएगा अली असद, ठीक है। वो क्यों लिखा आया, क्योंकि वो मेरी एक अलहदा से रिक्वायरमेंट थी। इसी तरह मैं इस मेथड को भी ना कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि आप हेलो वाले प्रिंट करो, लेकिन आप उतने टाइम से इसको प्रिंट करो जितना मैं चाहता हूँ। तो आपको क्या करना है, इधर आप लिखें इंट काउंट, ठीक है। तो हमें क्या यूज़ करना चाहिए, एक लूप यूज़ करना चाहिए। मैं इस कोड को डिलीट करता हूँ। तो मैं इधर लिखता हूँ फॉर टैप टैप आई इक्वल टू 0 से लेके काउंट, ओके। और इधर मैं लिख देता हूँ सी डब्ल्यू टैप टैप हेलो अली। तो अब क्या होगा, जब मैं ये वाला मेथड कॉल करूँगा, अगर मैंने इसके अंदर कोई पैरामीटर नहीं है ना दिया, तो सबसे पहले ये मुझे एरर देगा। एरर मुझे वो ये कह रहा है कि ठीक है, मैंने माई मेथड तो मैंने फाइंड कर लिया है, लेकिन वो तब कॉल होगा जब आप उसको पूरी इन्फॉर्मेशन दोगे, यहाँ पे इसको आप काउंट की वैल्यू दोगे। तो इधर मुझे काउंट की वैल्यू देनी है। अगर आप इसके ऊपर माउस हवा करो ना, तो वो मुझे कहता है कि ये जो माई मेथड है इसके जो पैरामीटर के अंदर ना आपने काउंट की वैल्यू देनी है। तो मैं इधर कहता हूँ कि आप प्रिंट करो हेलो वाली 10 दफ़ा, ठीक है। मैं कंट्रोल F5 प्रेस करता हूँ और देखें इसने हेलो वाली 10 दफ़ा प्रिंट कर दिया है। इधर मैं कंसोल डॉट रीड लाइन भी लिख देता हूँ, ओके। अगर मैंने ये समझना है कि माई मेथड के अंदर जो पैरामीटर है वो किस तरह वर्क कर रहा है, तो आप क्या करें, रन टू कर्सर करें यहाँ तक, फिर आपने स्टेप इनटू का बटन दबाना है या F11 आप प्रेस कर दें। जैसे ही मैं इसके अंदर गया, उसने क्या किया कि 10 की जो वैल्यू है वो उसने इसके अंदर कॉपी कर दी है, ठीक है। आप अगर देखना चाहते हैं तो काउंट के ऊपर माउस हवर करें, आपको पता चलेगा कि काउंट की वैल्यू 10 है। 10 किस तरह आई है, क्योंकि उसने ये वाली वैल्यू यहाँ से ले ली है, समझ आई, ओके। अब हम क्या करेंगे कि स्टेप ओवर करेंगे और ये लूप अब 10 दफ़ा चलेगा, ठीक है। तो ये है इसके इंटरनल के मेथड किस तरह वर्क कर रहा है। मैं कंटिन्यू का बटन प्रेस कर देता हूँ क्योंकि मैं बार बार स्टेप ओवर नहीं करना चाहता। कंटिन्यू से क्या होगा कि प्रोग्राम अपनी नॉर्मल एग्जीक्यूशन में आ जाएगा। और ये देखें इसने 10 दफ़ा हेलो वाली स्क्रीन के ऊपर प्रिंट कर दिया। अब आपकी ये रिक्वायरमेंट आती है कि मैं ऐसा मेथड बताऊं कि जिस पे मैं मैसेज भी पास करूं और मैं ये भी पास करूं कि ये मैसेज आपने कितनी दफ़ा स्क्रीन के ऊपर प्रिंट करवाना है, ओके। ये भी काम कर लेते हैं। तो जो मेथड जहां हम डिफाइन कर रहे हैं वहां पे आप एक और पैरामीटर आप लिख सकते हो। पैरामीटर लिखने के लिए आपको कॉमा प्रेस करना है और यहाँ पर आप लिखते हैं स्ट्रिंग मैसेज। अब आपने हेलो वर्ल्ड के अंदर ये मैसेज प्रिंट करवा देने, ठीक है। अभी देखें यहाँ पे एरर दे रहा है, तो मुझे सोच के बताएं इधर एरर क्यों आया। इधर एरर इसलिए आया क्योंकि इसको माय मेथड मिल तो गया, लेकिन माय मेथड को दो वैल्यूज चाहिए, एक काउंट की चाहिए और एक काउंट की चाहिए और एक मैसेज की चाहिए, लेकिन हम उसको सिर्फ एक ही वैल्यू दे रहे हैं, वो है काउंट की। इसलिए वो हमें एरर दे रहा है कि मैं तब तक ये मेथड एग्जीक्यूट नहीं करूँगा जब तक आप इसके कंप्लीट पैरामीटर की वैल्यूज नहीं बता देते। वो करने के लिए मैं 10 के बाद कॉमा लगाता हूँ
और इधर वैल्यू मैं देता हूँ आई एम अली असद। अब क्या होगा कि आई एम अली असद 10 दफ़ा स्क्रीन के ऊपर प्रिंट हो जाएगा। मैं कंट्रोल F5 प्रेस करता हूँ और देखिए आई एम अली असद स्क्रीन के ऊपर 10 दफ़ा प्रिंट हो गया। अगर आपने इसकी इंटरनल आपने देखनी है कि ये माई मेथड किसने काम किया है, आप राइट क्लिक करें, रन टू कर्सर पे जाएं, स्टेप इनटू करें और अब आप देखें कि काउंट के अंदर कितनी वैल्यू है 10 है और मैसेज के अंदर क्या लिखा है आई एम अली असद। तो मैसेज की वैल्यू उसने कहाँ से ली है, यहाँ से। ठीक है, इसी तरह आप स्टेप ओवर करें। अब क्या होगा कि मैसेज स्क्रीन के ऊपर लिखा हुआ आएगा, अभी एक दफ़ा आया है, फिर आप बार बार जितनी दफ़ा करेंगे 10 दफ़ा तक ये स्क्रीन के ऊपर आई एम अली असद प्रिंट करेगा। मैं कंटिन्यू का बटन प्रेस कर देता हूँ ताकि वो नॉर्मल एग्जीक्यूशन स्टार्ट कर दे। तो देखिए उसने 10 दफ़ा आई एम अली असद प्रिंट कर दिया है। इसी तरह आप मेथड को एक से ज़्यादा वैल्यूज भी दे सकती हैं। जिस तरह मैंने ये दी है, ये दो वैल्यूज दी हैं, इसी तरह आप 3 वैल्यूज भी दे सकते हो। वो आपने अगर वैल्यू देनी है तो सबसे पहले आपको उसकी डेफिनेशन में जाके डिफाइन करना है कि वो कौन सी वैल्यू एक्सेप्ट करेगा। जिस तरह की टाइप होगी उसी तरह की ही वैल्यू आपने देनी है। ये आपने मेक श्योर करना है। देखें सबसे पहले काउंट है यानी कि इंटीजर वैल्यू, तो सबसे पहले यहाँ पे 10 ही आएगा। यहाँ पे आपने स्ट्रिंग वैल्यू पास नहीं करनी क्योंकि वो एरर दे देगा। चलिए वो भी ट्राई करके देखते हैं। मैं इसको रिमूव करता हूँ, सबसे पहले मैं देता हूँ। अच्छा, आपने अगर देखना है ना कि ये इस मेथड के अंदर क्या क्या पास हो रहा है, तो आप क्या करें कि मेथड के ऊपर क्लिक करो और कंट्रोल के आई प्रेस करो। तो आपको पता चलेगा कि सबसे पहले जो आपने वैल्यू देनी है वो आपने इंट काउंट की देनी है। लेकिन अगर आप सपोज करो कि पहली वैल्यू आप ना स्ट्रिंग दे देते हो और सेकंड वैल्यू आप इंटीजर की देते हो, ठीक है, यहाँ पे एरर आ जाएगा। एरर इसलिए आया है, उसने कहा है कि मुझे माय मेथड मिल तो गया है लेकिन जो आप पहली वैल्यू दे रहे हो स्ट्रिंग, ऐसा पॉसिबल नहीं है क्योंकि पहले वो इंटीजर वैल्यू लेगा। इसलिए आपको हमेशा ये मेक श्योर करना है कि जब आप पैरामीटर पास करो तो आपने वो वाली वैल्यू पास करनी है जिस तरह का वेरिएबल उसके सिग्नेचर में डिफाइन है। तो सिग्नेचर क्या होता है, ये हिस्सा है नतनस का सिग्नेचर है, ठीक है। तो मैं इधर लिखूंगा 10 और आई एम अली असद। लेकिन अगर आप चाहते ही हैं कि सबसे पहले मैंने मैसेज को वैल्यू देनी है फिर मैं काउंट को वैल्यू दूंगा, उसका भी एक तरीका है। उसके लिए आपको यह करना पड़ता है कि आप वेरिएबल का नाम लिखो फिर आप उसको वैल्यू दो। तो हमने पहले मैसेज को वैल्यू देनी है तो मैं मैसेज का वेरिएबल लिखूंगा मैसेज, कोलन लगाया मैंने। जैसे ही मैंने कोलन लगाया तो आप इंटेलिजेंस में देखें मैसेज हाईलाइट हो गया, बोल्ड हो गया, ठीक है। तो इधर मैं वैल्यू देता हूँ स्ट्रिंग की आई एम अली असद, फिर कोटेशन के बाद कॉमा लगाता हूँ और अब मैं लिखूंगा काउंट कोलन और काउंट के वैल्यू दूंगा मैं 10। कंट्रोल F5, तो देखें उसने बिल्कुल ठीक प्रिंट किया है, ठीक है। अभी मैंने मेथड जो कॉल किया उसके अंदर जो मैं वैल्यू दे रहा हूँ वो मैं वैल्यू हार्ड कोड दे रहा हूँ। लेकिन सपोज करो कि आप यूजर से पूछना चाहते हो कि मुझे बताओ आप क्या मैसेज मेथड को पास करना चाहते हो कि वो प्रिंट करे 10 दफ़ा, या आप क्या अकाउंट की वैल्यू देना चाहते हो कि कितनी दफ़ा वो मैसेज प्रिंट हो, तो आप वो काम ऑब्वियसली कर सकते हो, ठीक है। मैं वो करता हूँ CW टैप टैप, इधर आप लिखें प्लीज एंटर योर मैसेज हियर कॉलन। मैं ये लाइन डिलीट कर देता हूँ इसलिए ताकि उसी लाइन पे मैं मैसेज रीड कर सकूँ, और मैं एक वेरिएबल बना लेता हूँ स्ट्रिंग MES इक्वल टू कंसोल डॉट रीड लाइन। इसी तरह मैं एक और दफ़ा लिखता हूँ प्लीज एंटर वैल्यू ऑफ काउंट। मैं लाइन यहाँ से डिलीट कर देता हूँ और यहाँ पे मैं एक वेरिएबल बना देता हूँ C इक्वल टू इन डॉट पार्ट्स
कंसोल डॉट रीड लाइन। ठीक है, हमारे पास वैल्यू आ गई मैसेज के भी और सी के भी। फिर मैं क्या करूँगा, माई मेथड को कॉल करूँगा, इसके अंदर काउंट की वैल्यू भी पास कर दूँगा। काउंट की वैल्यू कौन ले रहा है, सी ले रहा है, और मैसेज की वैल्यू एम ई एस ले रहा है। अब मैं कंट्रोल एफ फाइव प्रेस करता हूँ और प्लीज़ एंटर योर मैसेज हियर। मैं मैसेज लिखता हूँ, यू गाइज आर ब्रिलियंट। आप कितनी दफ़ा प्रिंट करो, तीन दफ़ा। तो देखिए उसने तीन दफ़ा यू गाइज आर ब्रिलियंट प्रिंट कर दिया है। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है इस लेक्चर में आपको समझ आई है कि हम पैरामीटर लिस्ट को किस तरह यूज़ कर सकते हैं और उसका फ़ायदा क्या है। एक से ज़्यादा पैरामीटर किस तरह यूज़ करना है, उसमें वैल्यूज़ किस तरह पास करनी है, और अगर हमने वैल्यूज़ इस तरह पास करने के काउंट के वैल्यू पहले नहीं देना चाहते बल्कि एंड में देना चाहते हैं, उसके लिए आप पहले वेरिएबल का नाम लिखो, कोना लगाओ और फिर आप वैल्यू दो। अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला है या किसी पॉइंट में आप कन्फ्यूज़ हो गए हो, तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बताएं, अपना फीडबैक दें। आप इस वीडियो को लाइक करें और इसको मैक्सिमम शेयर करें। अगले वीडियो में हम पैरामीटर लिस्ट में और डिटेल में गुफ्तगू करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आउट कीवर्ड और रेफ कीवर्ड क्या है और इससे हम क्या फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। मैं मिलूँगा आपसे अगली वीडियो में।